नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सूजी की ऐसी मिठाई जिसे आपने कभी नहीं बनाई होगी, तो एक बार इसे ज़रूर बना के देखिए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है, तो इसमें हम एक कटोरी सूजी लेंगे और इसी कटोरी से डेढ़ कटोरी दूध लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें दो चम्मच चीनी। चीनी का यूज़ थोड़ा कम ही करना है क्योंकि चाशनी भी हमें बनाना है। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, तो इसे भी ऐड कर देते हैं और साथ ही एक चम्मच कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। अब बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। तो बैटर हमारा रेडी है और यहाँ हमने एक पैन लिया है, तो पहले हम इसमें तेल लगा देते हैं और अब हम इसमें बटर पेपर लगा देते हैं और इस पर भी तेल लगा देंगे। और बटर को इसमें डालेंगे। तो अब हम इसे पकाएंगे। यहाँ हमने एक बड़ा सा पैन लिया है, तो इसमें हम नमक डाल देते हैं और बीच में हम स्टैंड रखेंगे और बैटर वाले पैन को हम बीच में रखेंगे और इसे एक प्लेट से ढककर 15 मिनट तक पकाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं, तो इसके लिए हमने ये एक कटोरी चीनी लिया है। अब इसी कटोरी के नाप से एक कटोरी पानी ऐड करेंगे इसमें और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए 3 से 4 छोटी इलायची के दाने ऐड करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, इससे मिठाई का लुक्स बहुत ही अच्छा आता है। आप बिना कलर के भी इसे बना सकते हैं। अब चाशनी को इस तरीके से हम चलाते रहते हैं। तो चीनी भी अच्छे से घुल गई है और अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन होना चाहिए, तो इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चाशनी भी रेडी है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं। तो लगभग 15 मिनट भी हो गए हैं, तो अब हम प्लेट को हटा करके इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक सीख ली है, तो इसे हम धसा करके चेक कर लेते हैं। तो ये भी रेडी है। ठंडा होने के बाद हम इसे प्लेट से अलग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडी हो गई है, अब हम इसे प्लेट से अलग कर लेंगे। नाइफ से हम इसको साइड साइड से अलग कर लेते हैं। अब नीचे से एक प्लेट लगाकर इसे निकाल लेते हैं। और बटर पेपर को भी हटा देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे पलट लिया है। अब हम इसे बर्फी के शेप में कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है और आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे बर्फी के शेप में कट कर लिया है। अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। यहाँ हमने गैस पर पैन रख दिया है और अब हम इसमें तेल डालते हैं। गैस के फ्लेम को थोड़ा तेज ही हम रखेंगे।
अब हम तेल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये अच्छे से गर्म हो गया है और एक एक करके बर्फी को तेल में डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। इसे पलट पलट के हम दूसरे साइड भी ऐसे ही इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम इसे पलट पलट के फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के पीस को ऐसे ही हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसे चाशनी में डालेंगे। बिल्कुल गर्म चाशनी ही लेना है। तो अब हम इसमें एक एक करके पीस को डालेंगे। अब दूसरी तरफ से भी इसे पलट देते हैं ताकि इसमें चाशनी अच्छे से सोख ले। अब इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने मिठाइयों को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे कट करके भी दिखा देते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर से भी कितना टेस्टी बना हुआ है। फ्रेंड्स, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।